परिवार के सदस्य आए हैं डॉक्टर साहब। जी हाँ भैया, जो है BMS डॉक्टर हैं और अपना क्लिनिक चलाते हैं, और मुझे बेहद खुशी हुई इनसे एक बात जानकर। वो क्या बात है वो भैया से बताऊंगा, क्योंकि जो ये चूरन चटनी XYZ जो खाते हो ना आप, उसको लेकर भैया ने मुझे बताया कि भैया ने भी खाई थी किसी टाइम पे, क्योंकि हर किसी को लगता है यार जो दुबले पतले कि भाई जल्दी से जल्दी मेरा वजन बढ़ जाए, तो भैया ने भी खाई थी। क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, और अब ये खुद क्लिनिक चलाते हैं, भैया किसी को सजेस्ट करते हैं नहीं करते, वो भी पूछूंगा। तो यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन। मेरा नाम टीकेंद्र इंदौलिया, मैं फ्रॉम भरतपुर। भरतपुर से आया जी भैया, 90 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ भैया। बारिश का टाइम था, बारिश में भीगा भी हूँ थोड़ी देर के लिए, रुका रास्ते में, उसके बाद आया हूँ यहाँ पे। भैया कैसा लगा यहाँ के? बिल्कुल फैमिली वाली फीलिंग भैया, बिल्कुल भैया। जो बात वीडियोस में होती है वो बिल्कुल, पलव लाली रबड़ी भी खाइए जी, कह के खाइए बिल्कुल। भैया आज मथुरा आउटलेट में बहुत सारे भाई आए थे, तो इसलिए जो है भैया कह रहे भैया मैं तो रह गया पलव लाली रबड़ी, मैंने भाई आप रहने नहीं दूंगा आपको। और मथुरा में तो है रबड़ी के बहुत शौकीन रहते हैं, इसलिए जब मैं मथुरा आता हूं तो तब तो मैं जो है 10-12 किलो रबड़ी पैक करा के लाता हूं अच्छे से। और अब मैं पूछता हूं भैया, आपने खाई थी वो बता रहे थे चूरन चटनी। चूरन चटनी लिया था क्योंकि इससे पहले मैंने आर्मी, जैसे क्लिनिक पर होने से पहले मैंने आर्मी की रनिंग की थी, आर्मी की तैयारी की थी, वेट बहुत कम था तो इसके लिए जो डेक्सोना वगैरह यूज की थी उससे यूज करते हैं, वेट तो बढ़ता है, मतलब चेहरा फूला फूला हो गया था, उसके बाद में पुंसी वगैरह निकलने लग गई थी। और उनको भी सजेस्ट किया था मैंने उस टाइम पे, वो खा रहे थे उस टाइम पे, लड़कियों को मतलब रिजल्ट तो दिखाता उसका, मतलब मोटे हो गए थे वो, खुश थे उस टाइम पे, लेकिन बाद में बोलने लगे भैया ये क्या हो गया शरीर का पूरा नुकसान, भूख वगैरह बिल्कुल मर के। छोड़ने के बाद में मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि भैया ये गलत चीज़ है, मेरे को आगे से बताया किसी ने गाइडेंस की दी तो मना कर दिया बिल्कुल। बल भैया मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि ये चीज सब चीज बकवास है, सप्लीमेंट लेना है तो ऑर्डिनरी सप्लीमेंट्स बिला से लो, भूख वगैरह की प्रॉब्लम है तो गट पावर वगैरह यूज करो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर आप सुन लो, डॉक्टर साहब खुद बता रहे हैं आपको कि इन्होंने खुद ने भी यूज की है, और भैया अब तो आप किसी को सजेस्ट नहीं करते? नहीं नहीं भैया बिल्कुल नहीं, क्लिनिक पे आते तो होंगे कि भैया भूख डेली आते हैं, डेली भैया ये ऐसी कोई सप्लीमेंट बता दो, ऐसी या कोई दवाई बता दो जिससे वेट बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा इस चीज़ मना कर देते, बिल्कुल मना। तो दोस्तों देख रहे हैं डॉक्टर साहब भी मना कर रहे हैं, आप भी मत लो यार ये चूरन चटनी, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। मैं एक बात कहना चाहूंगा और डॉक्टर साहब से पूछ रहे, डॉक्टर साहब मुझे एक बताओ कि कितने की आती है वो? नॉर्मली है जैसे डेक्सो ना 5-10 रुपए का पत्ता आता है, एक सिप्लेक्टन का वही 5-10 रुपए का पत्ता आता है, नॉर्मली सस्ती पड़ जाती है, लड़का इसीलिए यूज कर लेता है, इसीलिए यूज कर लेता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूँ वो 5-10 रुपए या 20 रुपए या 30 रुपए या 100 रुपए 200 रुपए, उसका जूस पीना बेटर है या वो चूरन चटनी खाना? नहीं जूस पीना बेटर है, जूस पीना बेटर है, खुद सुन लो अपने कानों से। तो दोस्तों आप मत खाया करो यार, बजट आपका नहीं है। अरे यार मैं भी आम आदमी हूँ भाई, मेरी भी जेब किसी महीने टाइट है किसी महीने ढीली है, बजट नहीं है, मत खाओ सप्लीमेंट, मत लो यार। अरे जितना भी आपका बजट है 500, 1000, 2000 जूस ले लो, दूध पी लो, अरे दाल खा लो, चावल खा लो, रोटी खा लो, केले खा लो, और अब तो गर्मियों का मौसम है गन्ने का जूस पी लो, ठोकम ठाक कैलरीज है उसके अंदर। तो इसलिए दोस्तों सस्ते के चक्कर में पड़ गए कुछ भी मत लो। यह लिया है पावर मास गेनर का बाल्टा, डॉक्टर साहब खुद ले रहे हैं देख लो आप, और नंबर वन मास गेनर है ये, इंडिया का नंबर वन मास गेनर। इस टाइम सबसे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, कितने परसेंट पॉजिटिव रिव्यूज हैं? 90% प्लस पॉजिटिव रिव्यूज हैं, मतलब 100 लोग अगर पावर मास गेनर खा रहे हैं तो 90 को रिजल्ट आ रहा है। अब 10 ऐसे भी हैं जिनको या तो कम आ रहा है या फिर मतलब जो है डाइट फॉलो नहीं करते उसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी हैं, आप डाइट फॉलो जरूर करना है पावर मास गेनर, क्योंकि देखो ओरिजिनल सप्लीमेंट है ये रिजल्ट तो देंगे पर बिना डाइट सपोर्ट के रिजल्ट नहीं देंगे। इसलिए डाइट आप सॉलिड रखो, बाकी सप्लीमेंट्स आपके साथ है ही, एंड तक नहीं छोड़ूंगा मैं आपको, और एक बार आप जुड़ जाओ सप्लीमेंट्स से उसके बाद कहीं नहीं जाओगे। अब देखो भैया आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए। मुझे एक बात बताओ, क्या आप कहीं और जाने की जरूरत है? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सप्लीमेंट्स पर सिर्फ ओरिजिनल सप्लीमेंट्स नहीं, मतलब ओरिजिनल सप्लीमेंट्स तो मिलेंगे, यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिलेगा, फैमिली वाली फील मिलेगी। और डॉक्टर साहब अभी जो आ गए हैं, भैया रबड़ी खा ली ठीक है, भैया खाते पीते रहो, बढ़िया बात कर ली, मीठी मीठी बातें कर ली, इसके बाद यहाँ से चले जाएंगे, देन क्या होगा? देन जब तक इनको तोड़ा ना जाएगा तब तक छोड़ा ना जाएगा, यहाँ से जाने के बाद ही पूरी सपोर्ट है। तो दोस्तों इसलिए आप एक कदम सप्लीमेंट्स की तरफ बढ़ाओ, ये मेरा वादा है आपसे, फिर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। तो पावर मास गेनर नंबर वन मास गेनर है, कितना वजन बढ़ाएगा ये? 6 किलो का बाल्टा है, 8 से 10 किलो वजन बढ़ाएगा, जो वजन बढ़ेगा वो टिकेगा, नुकसान कभी कुछ नहीं होगा, तो इसे लीजिए। साथ में लो एनर्जी प्रो, एनर्जी ड्रिंक है, एक्सरसाइज के बीच बीच में लेनी है आपको ये। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब बता रहे घर पे आपने सामान लाया हुआ है? घर पे सामान लगा हुआ है। कितने किलो तक के डंबल है? 80-90 किलो वेट होगा मेरे पास, 80 किलो 90 किलो तक के इनके पास वेट है, डंबल है। तो जिम जाना जरूरी नहीं है,
एक्सरसाइज करना जरूरी है। आप अक्सर पूछते हैं कि आप पावर मास गेनर अगर हम लें तो जिम जाना जरूरी है? नहीं, जिम जाना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है। घर पे कर लो, कुछ कर लो, पर हाँ रनिंग मत करना। कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करनी, हफ्ते में एक आध दिन कर सकते हो, पर डेली डेली कार्डियो नहीं करनी, वरना फिर आपको पता ही है भाई रनिंग करने वाले का फिर वजन बहुत लेट बढ़ता है। तो इसलिए जो है पावर मास गेनर 5600 रुपये, यहाँ 450 का एनर्जी प्रो भैया को मिला है ओरिजिनल GST बिल के साथ। ये GST बिल और यहाँ पर ये टी शर्ट शेकर और ये जिम बैग सप्लीमेंट्स वाला की तरफ से भैया गिफ्ट है। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको ही मिलेंगे। अब यहाँ देखें तो नो डाउट भैया बता रहे हैं कि 80-90 किलोमीटर दूर से आए, मुझे लगता है यार आने जाने में रोक साहब आपका 500-700 का तो तेल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, पेट्रोल लग जाएगा 500-700 रुपये का। उसके बाद में यहाँ पे 1200-1200 का टैक्स भी पे किया। पूछना चाहूंगा क्या फर्क पड़ा, जहाँ सेहत का सवाल है क्या पैसा मैटर करता है? बिल्कुल नहीं, पैसा मैटर नहीं करता, करना चाहिए भी नहीं। तो इसलिए आप सप्लीमेंट्स वाला से जुड़ो, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ। आप अक्सर मुझसे कहते हो भैया पापा से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो। देखो मैं कर लूँगा, पर मैं हर किसी पेरेंट्स से बात नहीं कर सकता। आप ये वीडियो पेरेंट्स को दिखाओ, उनको बताओ। अगर ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूँ आपका बच्चा मोटा तगड़ा हो जाएगा बिना किसी नुकसान के, और जो भी रिजल्ट आएंगे वो टिकेंगे। पर आपको भी ध्यान रखना है कि ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लेने हैं और सिर्फ सप्लीमेंट्स वाला से। तो आइए सप्लीमेंट्स वाला आप भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर हमारे ऑफलाइन आउटलेट्स हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स लगे आउटलेट्स अब हर सिटी में ओपन हो रहे हैं। आप जा सकते हैं दिल्ली, पलवल, मथुरा, कानपुर, आप जा सकते हैं आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, आप जा सकते हैं जयपुर, गुरुग्राम, यहां पर आउटलेट्स ओपन हो चुके हैं और जल्दी आउटलेट्स ओपन होंगे। डेट अनाउंस कर दूंगा और बता दूंगा, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। अब अगले जो आउटलेट्स ओपन होने जा रहे हैं वो होने जा रहे हैं ग्वालियर में, पंजाब में, उसके बाद फिर गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ भी चलना है। और जितने भी आउटलेट्स हैं सब आपके अपने आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइजी वाले नहीं हैं, इसलिए गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। आप किसी भी आउटलेट पर जाओ पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको, सारे आउटलेट्स आपके अपने। तो वीडियो चलेगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली बार मिलूंगा भैया से जब इनका वजन बढ़ जाएगा, वजन जरूर बढ़ेगा क्योंकि पीछे इनका मैं छोड़ूंगा नहीं। नमस्कार।